हेलो गॉर्ज गैंग वेलकम बैक टू पॉपसीगर्ल मैं हूँ देबुलनाप योर ब्यूटी बड़ी तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो भी हमारे हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक हेयर फॉल हेयर लॉस मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या कोई भी रीजन की वजह से जो हेयर लॉस होता है उस के बारे में डिस्कस करेंगे हम चाहे कितनी भी रेमेडीज़ यूज़ कर लें हमारा हेयर ग्रो नहीं हो रहा है ग्रो नहीं हो रहा है वॉल्यूम नहीं आ रहा है बल्कि और हेयर थिनिंग हो रहा है उसको कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं कैसे हम अपने बालों को वापस से पा सकते हैं तो मैंने आपके साथ अब तक बहुत सारे रेमेडीज़ शेयर किए हैं सिर्फ रेमेडी से ही आपका हेयर ग्रोथ होगा ऐसा नहीं है सो so, रेमेडीज़ के अलावा आपको इंटरनली आप क्या लेते हैं आप कौन सा फूड लेते हैं क्या न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है दैन द हेयर रेमेडीज इंटरनली अगर आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं इंटरनली अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो फिर आप चाहे कितने भी आप नुस्खे अपना अपना लीजिए कोई भी रेमेडीज़ कर लीजिए आपको कोई भी हेल्प नहीं होने वाला है कोई असर नहीं दिखने वाला है तो so, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि क्या सप्लीमेंट्स हम खा सकते हैं कौन से सुपर फूड हम इनटेक कर सकते हैं या फिर कौन से डेली लाइफ में कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम इनटेक कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में या हमारे स्किन या हेयर के लिए वो न्यूट्रिशन अवेलेबल हो तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर फूड्स को लेकर तो सुपर फूड्स एक्चुअली होते क्या है नॉर्मल जो फूड हम खाते हैं और सुपर फूड में डिफरेंस क्या होता है तो नॉर्मल जो फूड हम खाते हैं लाइक like ब्रेकफास्ट हो गया लंच हो गया डिनर हो गया जो प्रॉपर मील हम लेते हैं उसमें एक बैलेंस्ड मील होता है एंड वो हमारा पेट भरने के लिए होता है तो उसमें से जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाइटामस मिनरल्स ये सारे जो नॉर्मल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग वो हम इनटेक करते हैं सुपर फूड्स क्या होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में हम लेते हैं कम क्वांटिटी में हम लेते हैं कम कैलोरीज़ उसमें होते हैं प्लस उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कम्पेयर टू तो हम जो नॉर्मली फूड खाते हैं इसलिए उसको सुपर फूड बोला जाता है और सुपर फूड की कैटेगरी में कौन कौन से फूड आते हैं जो हमें इनटेक करना चाहिए सो so, सुपर फूड्स में कई तरह के नट्स आते हैं जैसे कि वॉलनट हो गया यानी कि अखरोट आलमंड्स हो गए यानी कि बादाम सीड्स सनफ्लावर सीड्स ये सारे जो नट्स या सीड्स है ये सारे विटामिन ई रिच होते हैं इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड भी होता है प्लस इसमें प्रोटीन होते हैं बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है क्वालोजन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू मेक योर हेयर स्ट्रॉन्गर एंड फ्लैक्सीबल ताकि आपका हेयर ब्रेकेज ना हो हेयर फॉल ना हो जड़ों से आपके बाल स्ट्रांग रहे तो ये कुछ सुपर फूड्स है जैसे कि बेरीज या नस्टोमैन मैंने आपको बताए देन हमारा आता है सुपर फूड में स्पिनच या फिर ग्रीन लीफी जो भी हम पत्ते होते हैं जो हम खाते हैं वो स्पिनच यानी कि पालक और अलग अलग टाइप के जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो सारे भी सुपर फूड्स में आते हैं जिसमें आपको आयरन मिल जाता है मैग्नीशियम पोटाशियम ये सब मिल जाता है जो भी बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है देन सुपर फूड में आता है बेरीज बेरीज़ यानी कि जो भी स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी या कोई भी टाइप का जो बेरी फैमिली में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एज दे आर रिच इन वाइटामिन सी वाइटामिन सी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रेट हेयर जिस जो कि आपके बालों में शाइन इंक्लूड करता है बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है आपकी स्किन भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है इसीलिए जो भी वाइटामिन सी रिच फ्रूट्स है जैसे कि बेरीज़ हो गए ऑरेंज हो गया या फिर मौसम भी हो गया ये जो भी वाइटामिन सी रिच फ्रूट्स है वो ज़रूर आप इनटेक कीजिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर एंड स्किन सो नेक्स्ट जो सुपर फूड है वो रिच होगा ओमेगा थ्री फैटी एसिड में सो ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपके बालों के इंटरनल हेल्थ को आपके बालों में जो भी लेयर्स होते हैं ना इंटरनली आपके बालों में हाइड्रेशन इंक्लूड करता है प्लस जो भी हमारे एक हेयर शाफ्ट में जो लेयर्स होते हैं उसको स्मूदन करता है उसको इम्प्रूव करता है उसकी हेल्थ को जिससे आपके बाल बहुत मजबूत होते हैं तो ओमेगा थ्री फैटी एसिड फ़िश में पाया जाता है या फिर अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं आप वेजिटेरियन हैं देन आप ओमेगा थ्री फैटी एसिड का या फिर ओमेगा थ्री का जो भी सप्लीमेंट होता है वो आप ले सकते हैं इवन फ्लैक्सीड्स में आप ओमेगा uh, थ्री ले सकते हैं फ्लैक्सीड्स में बहुत सारा ओमेगा थ्री होता है वो आप ले सकते हैं इवन इवन वॉलर्ट्स यानी कि अखरूट जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ वो भी ओमेगा थ्री रिच है तो आप ये सारे सोर्स से ओमेगा थ्री ले सकते हैं तो so ये जो भी मैंने आपको सुपर फूड्स बताए हैं उनको ज़रूर अपने इनटेक में अपने फूड इनटेक में इंक्लूड कीजिए आप इज़ अ वेरी न्यूट्रिशनल डेंस एंड आपके बालों के लिए आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सो लेट्स वो वॉन्ट टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की हमें कौन कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट मेनली खाना चाहिए ताकि हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो हेयर ग्रोथ बढ़े एंड हमारा हेयर लॉस हेयरफॉल हो घट जाए सो मेन इम्पोर्टेंट जो वेजिटेबल्स आपको इंक्लूड करने चाहिए अलॉन्ग विध ऑल अदर वेजिटेबल्स वो है स्वीट पोटेटो स्वीट पोटेटो यानी कि शक्ंद क्योंकि स्वीट पटेटो में बीटा कैरोन होता है और जब वो बीटा कैरोन हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा बॉडी इसको वाइटामिन ए में कन्वर्ट करता है जो हमारे हेयर के वाइटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है सो so, अपने फूड में अपने खाने में स्वीट पोटेटो ज़रूर इंक्लूड कीजिए तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ एक ही दिन में या हर दिन आपको खाना है ऐसा नैन टूज गिविंग यू ऑप्शन तो आप इनको आप इनमें से कोई भी चीज़ें अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं टू गेट दोज न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो अभी हम नेक्स्ट वेजिटेबल पे मूव ऑन करते हैं जो कि है कैरेट यानी कि गाजर गाजर इज आल्सो रिच इन विटामिन ए जो कि आपके हेयर को अच्छे से कंडीशन करता है नेचुरली इंटरनली कंडीशन करता है आपके बालों को स्मूदर सॉफ्टर बनाता है जो भी आपके फ्रिजीनेस ड्राइनेस बालों में है जो बाल आपके डैमेज हो गए हैं उसको इंटरनली हेल्दी बनाता है आपको रेमेडीज के थ्रू हम जो कंडीशनर या मास्क हेयर मास्क अप्लाई करते हैं उससे आपको कुछ हद तक ऊपरी ऊपरी जो लेयर है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा लेकिन इंटरनली अगर आपके बाल आप चाहते हैं हेल्दी हो वो तो फिर आपको ये सारे वेजिटेबल्स या फूड इंक्लूड करने पड़ेंगे तो नेक्स्ट ऑन करते हैं बेल पेपर्स या फिर कैप्सिकम इसमें विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है तो ये ज़रूर आप खाएं कैप्सिकम या फिर बेल पेपर जो भी आप इसको बोलते हैं शिमला मिर्च तो इन में भी विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए हेयर लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ग्रीन नेफी वेजिटेबल जरूर इंक्लूड कीजिए अपने फूड में तो ये सारे जो भी फूड है वेजिटेबल्स हैं ये सब आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनली स्ट्रांग बनाने के लिए प्लस आपकी जो भी वाइटामिन डिफ़िशेंसी बॉडी में होते हैं उन सबको भी ये कवर कर लेता है नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स की जिसकी मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ जिसके बारे में सप्लीमेंट्स के बारे में आपको कई सारे हेयर केयर वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आपको हेयर मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए आपको हेयर सप्लीमेंट्स लेना चाहिए तो कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए आ, उसमें क्या होना चाहिए वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे तो सबसे पहले तो जो हम हेयर सप्लीमेंट्स में आपको भी बताने वाली हूँ कोई भी ब्रांड तो आप ले सकते हैं आप अमेजोन में नाइका में इवन आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा आपको लेना चाहिए अगर आपको डाउट है तो आजकल मार्केट में कई सारे ब्रांड्स की सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं तो मेनली जो सप्लीमेंट हमें खाना चाहिए वो है बायोटीन जो कि बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड योर हेयर तो, तो बायोटीन जो हो गया वो आपके हेयर की थिकनेस के लिए होता है तो आपके हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सप्लीमेंट है बायोटीन जो कि आपके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है प्लस आपके थिकनेस को इंक्रीज करता है वॉल्यूम अगर आपको वॉल्यूमिनस हेयर चाहिए बायोटीन जरूर इंक्लूड कीजिए अपने सप्लीमेंट्स में जनरली बायोटीन के साथ साथ उस सप्लीमेंट में डी ब्लॉकर भी होता है सो डी एस ब्लॉकर एंड बायोटिन साथ में आपको सप्लीमेंट एक ही एज अ सप्लीमेंट आपको मिल जाता है तो uh, मैं पर्सनली कौन सा बायोटिन एंड डी ब्लॉकर का यूज़ करती हूँ सप्लीमेंट वो है ट्राया uh, का सो दिस इज़ नॉट अ ब्रांड प्रमोशन ये मेरा पर्सनल uh, जो चॉइस है वो है तो मैं अब तक uh, इसको ले रही हूँ एंड अच्छा है ये काफ़ी इसमें बायोटिन भी है डी ब्लॉकर भी है और इसके साथ साथ इजेंशियल जो भी वाइटमिन्स हैं हेयर के लिए जो चाहिए वो सब भी इसमें मौजूद है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं ये वाला ब्रांड नहीं तो आपको अलग अलग कई सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे यू कैन सर्च ऑनलाइन रिसर्च आप उस पर कर सकते हैं एंड फिर आपको जो सूटेबल लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं एंड नेक्स्ट uh, जो बालों के लिए सप्लीमेंट जरूरी है इवन नॉट ओनली फॉर हेयर बट बट योर स्किन या फिर आपके ऑर्गन्स के लिए इंटरनल ऑर्गन्स के लिए या फिर आपके बॉडी में कोई विटामिन डेफिशिएंसी है या किसी भी टाइप का डेफिशिएंसी है जैसे मेरे अंदर है आयरन डेफिशिएंसी यानी हीमोग्लोबिन मेरे में कम है तो मैं उसके लिए मैं आयरन का सप्लीमेंट लेती हूँ तो वो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे अगर आप ब्लड टेस्ट अपना करवाएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो उसमें आपके सारे जो भी डिफिशियंसी है आपके वो आ जाता है तो मेरे में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस हिसाब से डॉक्टर ने हम सजेस्ट किया हुआ है कि ये वाला आयरन सप्लीमेंट आप खाइए तो मैं उस हिसाब से सप्लीमेंट आयरन का लेती हूँ तो उस ऐसे ही आप भी अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं अगर आप में आयरन की कमी है तो उस वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है किसी किसी में वाइटामिन डी की कमी होती है वाइटामिन बी की कमी होती है तो इन वाइटामिन डिफिशेंसी की वजह से भी आपके हेयर फॉल होते हैं या स्किन में प्रॉब्लम्स होते हैं हेयर में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो उन सबको ख़त्म करने के लिए जड़ से यू हैव टू टेक सम टेस्ट ब्लड टेस्ट आप करवा लीजिए आपके बेनिफिशियल के लिए है बेनिफिट्स के लिए है तो उसके उसको टैकल कीजिए उसको ख़त्म कीजिए जड़ से एंड देन तभी आपका हेयर रेमेडी वगैरह काम करेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है करके हेयर रेमेडीज अगर आपका इंटरनली ही आप में कमी है तो अगर आपको सडनली लग रहा है कि आ, बहुत फॉल हो रहा है तो फिर एक तो स्ट्रेस रीज़न हो सकता है स्ट्रेस का अगर आप अच्छे से नहीं आ, अपना नींद पूरी कर पा रहे हैं वो हो सकता है या फिर अगर आपको बहुत आ, ल, थकान महसूस होती है या फिर अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं दिन आपके अंदर वाइटमिन डिफिशेंसी या फिर आयरन डिफिशियसी हो सकता है उस वजह से भी हेयर फॉल होता है तो ये सब जो रीजंस हैं ये हेयर फॉल के कारण होते हैं एंड बाकी जो हम हेयर मास्क या हेयर ऑयल लगाते हैं दीज आर एक्सटर्नल एक्सटर्नली सब कुछ करने से तो नहीं होता है जितना एक्सटर्नली इंपॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनली टेक केयर करना होता है। मैंने आपको बेसिक जो नेसेसिटीज हैं न्यूट्रिएंट्स की वो सब मैंने कवर कर लिया है कि कौन सा फूड आपको खाने चाहिए किस टाइप के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आपको खाने चाहिए इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में या किस टाइप के सप्लीमेंट्स आपको खाने चाहिए सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यूजफुल लगा हो एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल